हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर चैनल स्टडी वन क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित शंकर। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स फाइनली कैंसिल हो चुके हैं। एक बहुत बना हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा कोविड को देख के, बट एट दी एंड जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो चीज़ हो चुकी है। फाइनली बोर्ड एग्जाम्स अब ऑफिशियली पोस्टपोन भी हो चुके हैं क्लास ट्वेल्थ में, और क्लास टेंथ में तो सीधा सीधा बोल दिया है CBSE ने कि वो कैंसिल ही हो गए। अब मुद्दा ये है कि हम आज की जो वीडियो बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है। मुझे पता है काफ़ी बच्चे बहुत डिसअपॉइंट इस चीज़ को लेके, क्योंकि उन्होंने पूरे साल मेहनत की थी। और मैं कह रहा हूँ अगर आप डिसअपॉइंट हैं तो आपका होना बनता है सर, बिल्कुल बनता है, क्योंकि पूरे साल मेहनत की थी ना। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की नहीं उसके लिए तो मतलब ये न्यूज़ तो मतलब ये मान लीजिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट न्यूज़ है उसके लिए, अभी तक की सबसे बेस्ट न्यूज़ है। तो उसको बहुत खुशी होती है कि वाह ठीक है, एटलीस्ट फाइनली एग्ज़ाम पोस्टपोन तो हुए, कैंसिल तो हुए। अब CBSE ने देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, टेंथ को तो एटलीस्ट फिर भी इतना क्लियर कर दिया कि ठीक है, लेकिन ट्वेल्थ के साथ क्या, वो तो ना बेचारे यहाँ के रह गए ना वहाँ के रह गए, और फिर कर दिया ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। कि क्या है ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, सब सोच सोच के वो गए बच्चे, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे जो इस साल टेंथ ही एक्चुअल में ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, टेंथ बोर्ड एग्जाम्स ऐसा होता है बच्चा कि इसमें क्या होता है आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि आप एक्चुअल में क्या हैं। क्योंकि अभी तक स्कूल्स रहता है, स्कूल्स में आपको क्या रहता है नॉन बोर्ड क्लासेस में ठीक है स्कूल में मार्क्स मिल रहे हैं एंड ऑल, तो वो इतना नहीं होता लॉजिकली। मैं मानता हूँ कि वो चीज़ जो ट्रांसपेरेंसी बोर्ड एग्जाम्स है वो यहाँ पे नहीं होती अपने पास। बट बोर्ड एग्जाम्स आप खुद सोचिए, बोर्ड क्यों बोर्ड में 10 साल में एक बार आता है, वो हक हमसे छीन लिया है। 10 साल में एक बार जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो हक आपसे छीन चुका है। अब क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी आपको रिजल्ट देखने की, यार क्या होगा कैसे होगा कितने मार्क्स है, वो सब खत्म। एक जो एक्सपीरियंस था रियल एक्सपीरियंस वो आपके हाथ से जा चुका है। बट इस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लेंगे और हम समझेंगे कि जो चीज़ हो चुकी है उसको कैसे इम्प्रूव करें। सबसे पहली चीज़ CBSE यहाँ पे क्लियर कट कर चुकी है कि अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट करेगी CBSE उसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे उसको। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहली चीज़ मान लीजिए, सपोज टू बी CBSE ने आपको ऑप्शन दिया कि आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स। एक्चुअल में जो आपको टीचर्स अलॉट कर रहे हैं जो भी मार्क्स स्कूल से मिले हैं आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं तो आप दे सकते हैं, बट टेल मी क्या मतलब है उसको देने का, एग्जाम कब होगी, कोई गारंटी है, नहीं है किसी चीज़ की गारंटी। तो एक्सेप्ट करिए आप इस चीज़ को, मूव ऑन करिए। अब आप फोकस करिए, 11th में कोई मतलब नहीं है 10th पढ़ने का, क्योंकि 10th में काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको 11th में हेल्प करेंगे। और अगर आपने पढ़ा है तो डोंट वरी, ये चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाएगी, आपका ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाएगा। बीइंग अ टीचर मैं बताता हूँ आपको, कोई भी चीज़ जो आपने पढ़ी है इट विल हेल्प यू इन 11th क्लास। अब आप कोई सी भी स्ट्रीम लीजिए, साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, वो आपको हेल्प करेगी ही करेगी। तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, और अब आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम्स देंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है देने का। मैंने आपको बोला ना, ना तो वो चीज़ें वैसी होंगी, और ये सबसे बड़ी चीज़ तो आपको पता ही नहीं है कि कब होंगी। अब आप खुद सोचिए, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, एक ट्रेन का इंतजार करते हैं, आपको पता होता है कि ट्रेन आएगी, तो आप देट से बाई यू आर वेटिंग, है ना। अब यहाँ पे तो ट्रेन का पता ही नहीं ना कब आएगी कब नहीं जाएगी, क्या गारंटी है जून में एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, और क्या पता फिर आपको पोस्टपोन किया जाए, बैठे रहेंगे आप पूरे साल, कभी इतना लंबा सेशन गया था नहीं गया था इस साल गया, कभी सिलेबस रिड्यूस हुआ था नहीं हुआ, लेकिन इस साल हुआ। तो सारी चीज़ें जो कभी नहीं हुई, ये कंडीशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई है आज की डेट में, जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने खुद कभी इमेजिन नहीं किया था। इवन मैं एट द एंड तक बोलता था कि CBSE कभी भी ये चीज़ ये इतना, अब मैं बोलूँ पूरा मुझे तो ये बिल्कुल रास नहीं है ये डिसीजन, और मुझे पता आप में से बहुत सारे बच्चों को भी ये चीज़ रास नहीं आएगी। रास किसको आया, जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, कोई मेहनत नहीं की। अब मुद्दा यह है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस टर्म का मतलब समझा दूँ। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, इट्स नॉट अ MCQ टेस्ट। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे कि ऑब्जेक्ट कि स्कूल MCQ का टेस्ट लेगा एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया है जो CBSE आपको बताएगी, स्कूल्स को बताएगी, और स्कूल से उनके व्यूज भी ले जाएंगे कि ये क्राइटेरिया हम सेट कर रहे हैं, क्या आप इस क्राइटेरिया पे खड़े उतरेंगे, क्या बच्चों के लिए फेवरेबल होगा। बट मैं इतना बोलूँगा, वो जो भी क्राइटेरिया सेट करे, अब क्राइटेरिया क्या हो सकता है देखिए, या तो इंटरनल असेसमेंट हो सकता है, स्कूल से आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, आपको असाइनमेंट दे दिया जाए, या
ये हो सकता है कि टुकड़ों में आपके एग्जाम ले लिए जाए, लाइक प्री बोर्ड्स एंड समथिंग, कुछ भी हो सकता है जो भी आपके एकेडमिक से रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल्स भी करवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सीबीएसई यहाँ पे ऑब्वियसली ऑफिशियली रिलीज करेगी कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ है। हाँ, इसमें डोंट वरी, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, या मान लीजिए आपने पूरे साल क्लासेस नहीं की, मुझे पता है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, टेक्निकल इशू है, अब सबके पास फोन नहीं होता ना, सरकार ने तो बोल दिया आप घर में बैठिए आराम से, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, सरकार फोन भी तो दे सकती थी आपको। हाँ, अब सपोज टू मेरे पास फोन नहीं है तो मैं क्या करूँगा बताइए, बीइंग अ स्टूडेंट इफ आई डोंट हैव द सेल फोन, मैं ऑनलाइन क्लासेस कैसे लूंगा, मैं कैसे वहां पे अपने अटेंडेंस प्रेजेंस शो करूंगा कि मैं क्लास में हूं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें सेंसिबल हैं, बट हाँ, अब जो चीज हो गई है उससे मूव ऑन करना ही भलाई है, उसमें ही हमारी समझदारी है। बट मैं ये कहता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया स्कूल सेट करेगा सीबीएसई के थ्रू, क्योंकि गाइडलाइन देगा सीबीएसई आपको, स्कूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अभी तक तो आपने खूब चीजें इग्नोर की स्कूल से जो भी आया, लेकिन इस चीजों को ग्रांटली मत लीजिएगा, इसको सीरियसली एक्सेप्ट करिएगा, स्कूल जो भी बोलता है आपको, जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो। और अगर ये कोई वीडियो कोई टीचर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको पर्सनली मत लीजिए, अगर बीइंग अ टीचर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जो बच्चा बैठा है उसको आप ईमानदारी से ट्रीट करिएगा। मुझे पता है वैसे ये चीज़ें होती नहीं, बट फिर भी अब क्योंकि अब बोर्ड ने थोड़ी वो अथॉरिटी आपको दे दी है, थोड़ा ये बच्चा आपका ही है, तो ऐसा ना हो कि उसके साथ कहते ना एक कि फेवर और अनफेवर वाली बात हो जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इन केस अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं यही चाहूंगा कि सारे बच्चों को एक बार ही देखा जाए और बच्चों के उनके कैलिबर के बेसिस पे मार्क्स दिए जाए, और कोई बेसिस नहीं होना चाहिए। कैलिबर इन द सेंस सारी एक्टिविटीज को देखा जाए, बच्चे की परफॉर्मेंस को देखा जाए। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, और एक चीज़ और, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब मैं स्कूल्स में था तो मैंने भी प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मेरा फोकस बोर्ड एग्जाम पे था। यू कांट कंपेयर प्री बोर्ड्स विद बोर्ड एग्जाम्स, मैं तो साफ बता रहा हूँ। तो आप भी जो बच्चों ने अभी तक प्री बोर्ड्स दी हैं उसके बेसिस पे बच्चों को जज मत करिएगा, उसके बेसिस पे रिजल्ट को सेट मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, मे बी बोर्ड एग्जाम्स में वो टॉपर हो सकता था जो आज तक नहीं था, लेकिन अब वो चीज़ें है ही नहीं ना। अब जब हमारे पास है नहीं तो हम कैसे बोल दें उस चीज़ के लिए। तो थोड़ी सी लिबर्टी आप लोग भी दीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई भी आपको गाइडलाइंस में ये चीज़ देने वाली है, प्रोजेक्ट्स को लेकर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। बट मैं आपको इतना ही बोलूंगा, आप वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी पैरेलल, बट हाँ, आप नॉर्मल वे में जो आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि आप किताब साइड, मुझे पता उस दिन तो पढ़ाई हुई नहीं होगी ना, परसों से ये न्यूज़ है हमारे पास, और मैं भी एक दो दिन डिले करके वीडियो बना रहा हूँ, तो अब बच्चों का मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि अब मोटिव ही छिन गया ना, बोर्ड एग्जाम्स थी, अब यहाँ पे मैंने भी पूरे साल पढ़ाया, आप कुछ सोचिए ना, मेरी भी उम्मीदें थी कि मेरे साल इस साल बच्चे 100 ला के देंगे, खूब सारे बच्चे, मे भी पेपर सिंपल आ सकता था कोविड की वजह से, मे भी बच्चों को हेल्प हो जाती, काफ़ी रिडक्शन हुआ था, बट सारी चीज़ें कहते हैं होप होप ही रह गई, तो वो चीज़ है। बट मैं नहीं चाहता कि आपकी होप्स है, आपने इतनी मेहनत की थी, डोंट वरी, आपके अंदर का जो स्टूडेंट है उसको जिंदा रखिए, उसको मरने मत दीजिए, उसको ख़त्म मत होने दीजिए। ये जो चिंगारी जली थी ना बोर्ड एग्जाम्स की, ये फिर मिलेगी 12th में, अपने आप को प्रूफ कर देना। और अगर कोई 12th का बच्चा है जो देख रहा है, मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे तो आपको भी एक डेट ऐसी आएगी जब आपको फाइनली बोला जाएगा कि आपके भी एग्जाम्स कैंसिल है, बट मुद्दा वही ना, आपको टांग दिया है कहीं का नहीं। और मैं तो बोलूँ सीबीएसई को सीधा बोल देना चाहिए कि आपको लेनी है कि नहीं लेनी, एटलीस्ट आप लोग भी फिर अपनी दूसरी प्रिपरेशन करिए ना, क्यों खामा का 12th में फंसे पड़े, अब 10th वालों के साथ क्या हो, यही तो हुआ है, इतने साल मेहनत की, पूरे साल मेहनत की, पूरे साल लगे रहे, और एट दी एंड अब ना तो घोड़ों में फर्क है ना तो गधों में फर्क, तो क्या मतलब ऐसा। हम बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ये इक्वली, अरे इक्वली करिए ना, बट ऐसा भी इक्वली थोड़ी, जो बच्चा इतनी मेहनत करके पढ़ रहा था अब उसमें और दूसरे में तो फर्क रह ही नहीं गया ना। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए, बच्चे रो रहे थे, बोले सर ये क्या हुआ, इवन कितने सारे तो एक्सेप्ट ही नहीं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है कि सर ये हो ही नहीं सकता, बट अब क्या करें, कंडीशंस ऐसी बन गई, अब हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं इसके अलावा, बट आपके हाथ में है, जो हुआ मूव ऑन करिए, अपनी स्ट्रीम को डिसाइड करिए, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छे से एक प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे करियर काउंसलिंग के बेसिस पे कि क्या करना चाहिए, और कुछ वीडियोस अपलोड है हमारे चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। बट मैं इतना ही बोलूँगा कि आप चीज़ों को अच्छे से एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करिए,
और अपनी 11th की प्रिपरेशन पे लग जाइए, जो भी आपके ड्रीम्स है उसको अचीव करने के लिए लग जाइए। और ये बात, जो बोर्ड का मौका गया है आपके हाथों से वो 12th में फिर मिलेगा, और 12th तक क्या अभी 2-3 महीने में सारी कंडीशंस कंट्रोल में आ जाएंगी। बट मैं भी डिसअपॉइंट हूँ CBSE और गवर्नमेंट के इस डिसीजन से। चाहते तो कुछ और तरीके निकाले जा सकते थे इस एनालिसिस के लिए, और हम चाहते तो बोर्ड एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो सकते थे, बट अब जो हो गया तो उस पर फालतू डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। अभी जो हमारे पास है एट प्रेजेंट कि स्कूल्स क्या करने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है साइंस में, एक प्रोजेक्ट वहाँ बनाना है, ये कॉपीज इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, या क्वेश्चंस फ्रेम करके लाने हैं आपको, तो सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। तो प्लीज़ कोई भी हो सारी चीज़ों को, क्योंकि जो बच्चा बैठा है बोर्ड एग्ज़ाम में वो आपका ही है, किसी का भाई है, तो इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिएगा। इक्वली ट्रीट करिएगा अगर आपके पास किसी की भी कॉपी आती है और किसी का भी असाइनमेंट आता है, क्योंकि अथॉरिटी तो आपके हाथ में है, इस पावर का मिसयूज़ मत करिएगा। बीइंग अ टीचर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये बच्चा जो है बहुत पूरे साल पढ़ा है, प्री बोर्ड में इसने वो नहीं दिखाया जो उसको दिखाना चाहिए था, उसके पीछे भी रीजंस आपको पता है क्यों, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं प्री बोर्ड हम झंडे गाड़ेंगे बोर्ड में, उनकी क्या गलती, उनको क्या पता था बोर्ड होगी ही नहीं। तो प्लीज़ इनकेस अगर बोर्ड एग्जाम्स, अगर स्कूल बोलता है कि प्री बोर्ड में के बेसिस पर मार्क्स देने वाले हैं, तो आप बिल्कुल खड़े हो जाइएगा सब। और फैमिली से भी रिक्वेस्ट है आप लोग सपोर्ट करिएगा अपने बच्चों को, क्योंकि प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते थे बच्चों के लिए। आप खुद सोचिए, मैं खुद पढ़ाता हूँ, क्योंकि हम लोग एक फ्लो में चलता है। अब उस बीच में एग्जाम्स होती है तो बच्चे बोलते हैं ठीक है सर इतना चैप्टर प्रिपेयर दे, उसके बेसिस पे कैसे जज कर सकते हैं आप बच्चों को, आपको जज करना था तो बोर्ड एग्जाम लेनी चाहिए थी। अब क्राइटेरिया जो सेट करेंगे वो फेवरेबल होने चाहिए बच्चों के, और ऐसा भी नहीं कि आप सबको 90-90 दे दीजिए, क्या फर्क रहेगा फिर किसी में। बट कोई बात नहीं, जैसा भी है उस चीज़ को हम वेलकम करते हैं, आपके डिसीजन को वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जो भी चीज़ आपने सोची है, और होप्स हो कि CBSE बच्चों का भला ही चाहेगी। पर अच्छा डिसीजन था वैसे, बुरा नहीं है ये, बट एट दिन में यही कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना मेरे हिसाब से तो कहीं से फ्रूटफुल नहीं था, बट फिर भी अगर देखा जाए बच्चों की हेल्थ और वेल्थ के लिए, तो मैं मानता हूँ कि हाँ उनकी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस हेल्थ का कोई मतलब नहीं है जब अगर बच्चों के पास एक अच्छा फ्यूचर ना है, अच्छी नॉलेज नहीं है। और अब वो नॉलेज है तो बच्चे आप प्रॉपर करिए चीज़ों को, और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो भी आने वाला है 10-5 दिन में वो अपडेट हो जाएगा CBSE के थ्रू, वो फॉलो करिएगा। और प्लीज़ 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 सारे टीचर्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप बच्चों को प्रॉपरली समझाइएगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी बच्चे का मॉरल डाउन हो चुका है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस चीज़ को, ये हुआ क्या है। और काफ़ी बच्चे खुश भी हैं, वो खुश हैं क्योंकि उनको चाहिए यही चाहिए ही था, वो मिल गया उनको। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारे साथ बने रहिए। और अगेन देर हुई है ज़रूर, लेकिन आपने इस साल बहुत कुछ सीखा है, एंड होप सो कि आपसे जो 10th का जो एक कहते हैं ना, एक जो आपसे आपके बेसिक राइट्स को छीना गया है, वो 12th में वापस से मिलेंगे, और 12th में आप अपने आप को प्रूफ करेगा। एंड आई नो कि आप सब लोग इस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और अपने आप को प्रूफ करेंगे। थैंक यू।